हमें धोखा तभी मिलता है जब हमें उस पर्सन से कुछ चाहिए होता है। हम कोई निस्वार्थ प्रेम नहीं लुटा रहे होते। अगर लुटाते तो अभी ये डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता जो हो रहा है। धोखा 5 रुपए का सिक्का नहीं कि कोई आके दे के चला गया। हम इन्वॉल्व होते हैं इस पूरी स्टोरी में जो मे बी उसने क्रिएट की है, लेकिन हम भी इसका हिस्सा हैं। और लीड रोल में होने के बाद भी हम रोते हैं कि मुझे धोखा दे दिया उसने, मेरा तो प्यार सच्चा था ना, फिर भी क्यों छोड़ के चला गया, आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे में। तो सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस, इट्स नॉट योर फॉल्ट। जो इंसान धोखा देता है ना, प्रॉब्लम उसके अंदर होती है कि वो किसी के साथ लॉयल नहीं रह सकता या तुम्हारे साथ लॉयल नहीं रह सका। तो अपने अंदर प्रॉब्लम ढूंढना बंद करो। वो बदल गए या उन्होंने धोखा दिया तो ये इस बात का प्रूफ है कि वो तुम्हें अपनी लाइफ में डिजर्व नहीं करते हैं। अब तुम्हारी लाइफ में उनके जैसा ही कोई ना आ जाए फिर से, इसके लिए 4 बातों का ध्यान रखो। मैं इस वीडियो में कोई साइन ऑफ चीटिंग नहीं बताने वाली हूँ, तो इफ यू आर लुकिंग फॉर साइन ऑफ चीटर तो इधर कार्ड पे एक वीडियो होगा, 7 साइन योर गर्लफ्रेंड इज चीटिंग ऑन यू, आप उसको देखो। लेकिन उसके पहले ये वाला भी वीडियो देखो, क्योंकि ये 4 बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Hey loves, my name is Mayuri Pandey and welcome to my new video. ये मेरे Facebook का और Instagram का यूजर नेम है, आप चाहे तो मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। और मेरे YouTube फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को इतने ज़ोर से प्रेस करो कि मोबाइल से फिंगर आर पार हो जाए। Just kidding. नंबर 1, ओवर इन्वेस्ट करने से बचो। जब वो इंसान आपसे अपनी बातें मनवा रहे होते हैं तो उनकी छोटी बड़ी जितनी भी ज़्यादा बातें आप मानते हो, उतने ही ज़्यादा आप खुद को इमोशनली इन्वॉल्व कर रहे होते हो उस पर्सन में। फिर वो इंसान आपका एक हिस्सा कैरी करने लगता है अपने साथ। जब वो आपसे दूर जाता है या आपके साथ जुड़ाव महसूस नहीं करता है, तब आपको दिक्कत होती है। तो किसी के लिए भी ज़्यादा फेवरेबल बिहेवियर दिखाने से बचो। आप उनके लाइफ के जितने ज़्यादा पहलुओं में शामिल हो गए, उनकी हंसी का रीज़न बनोगे, उनके गुस्से का रीज़न बनोगे, कभी कभी उनके कंफर्ट का भी रीज़न बनोगे, तो इन सब से आप बिना रिलेशनशिप के भी चीटेड फील करोगे। और अगर इस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आओगे तो आपको धोखा मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि शुरू से ही सारी चीज़ें एक तरफा रही हैं, फेवर बेस्ड रही हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस सॉन्ग, मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं। तो किसी की जी हुजूरी करके मोहब्बत एक्सपेक्ट मत करो। नंबर 2, ऑनलाइन रिलेशनशिप या इजीली रिलेशनशिप में मत आओ। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होते बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन हर किसी के साथ नहीं। तो चूज़ योर पार्टनर वाइसली। सिर्फ इसलिए कि वो लड़की आपके में इंटरेस्टेड है इसलिए आप कुछ पुची बातें करने लग जाओ, या आपको वो पसंद है इसलिए आप उनको इम्प्रेस करने में लग गए, उनको रिलेशनशिप के लिए कन्विंस कर रहे हो, तो ये प्यार नहीं धोखा है जो आप खुद को दे रहे हो। और वो इंसान भी देगा कुछ समय बाद। उस इंसान की थिंकिंग को, उसके नेचर को सालों तक जाने बिना, जिए बिना, अगर रिलेशनशिप का हर एक पड़ाव आप पार कर चुके हो, खुद को सरेंडर कर चुके हो, तो तुम धोखा खा सकते हो। अगर नहीं किया है तो मत करो ऐसा। यहाँ पे मैं आपको अपने 2 वीडियोज़ रिकमेंड करना चाहूँगी देखने के लिए। पहला तो है 6 वार्निंग साइन यू आर इन अ रिलेशनशिप विद रॉन्ग पर्सन, और दूसरा है हाउ टू नो इफ़ यू आर इन अ राइट रिलेशनशिप। तो हो सके तो ये देखना, ये इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इन दोनों का लिंक। नंबर 3, अपनी इच्छाओं से ऊपर रखो अपनी मेंटल हेल्थ को। किसी भी पर्सन को अपने ऊपर एक अथॉरिटी देने से पहले इस बात को समझ लो अच्छी तरह से कि जैसे सांसें ऊपर नीचे चलती हैं, वैसे ही फीलिंग्स भी ऊपर नीचे होती हैं। फीलिंग्स स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं होती हैं, ना आपकी, ना मेरी, ना उसकी, ना किसी भी नहीं। तो हो सकता है कि वो इंसान आपको छोड़कर कभी ना जाए, वो वहीं रहे, उसी रिश्ते में रहे, लेकिन वो वैसा ना रहे। तो इस बात का असर अपनी खुशियों पर, अपने मेंटल हेल्थ पर मत होने दो, क्योंकि ये स्वाभाविक है। हमारे आसपास जो बदलाव होता है वो हमें थोड़ा थोड़ा बदलते हैं, और हमारा ये थोड़ा थोड़ा बदलना हमारे लव्ड वन को इफ़ेक्ट करता है। नंबर 4, बोर हो रहे हो करके किसी से बातें मत करो। स्पेशली अब जब भी क्वारंटाइन चल रहा है, तो उर्फ ठकुराइन, कठोराइन, कोठारिन, कमेंट डाउन अगर आपको भी शुरू शुरू में इस वर्ड को प्रोनाउंस करने में दिक्कत हुई तो। और किसी भी स्ट्रेंजर से कॉन्वर्सेशन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस स्ट्रेंजर से 10-15 दिन चैट करने के बाद उसको अपना मान लिया और फिर आपको पता चला कि वो तो ऑलरेडी कमिटेड है, शी वॉज जस्ट बीइंग फ्रेंडली विथ यू, छन से टूट गया ना सपना, तो ऐसे सपनों को अवॉइड करो। आपके जो एक्चुअल लाइफ के ड्रीम्स हैं उन पर फोकस करो। जो बना होगा तुम्हारे लिए वो तुम्हें ही मिलेगा, तुम्हें उसके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा। इफ़ यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ पार्टनर तो बहुत चांसेस हैं आपको धोखा मिलने के, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ की ज़रूरी चीज़ों पे फोकस करोगे
तो लोग अच्छे लोग खुद ही आएंगे आपकी लाइफ में, आपको पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा और टेम्प्रेरी लोगों को आप खुद तवज्जो नहीं दोगे क्योंकि आप इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस कर रहे होंगे। तो वही है हैशटैग अट्रैक्ट लव इन टू योर लाइफ नॉट पीपल। अगर फिर भी आपको लगता है कि हैप्पी नहीं रहा जैसा रिलेशनशिप के बिना, तो आप मेरा वो वीडियो देखो, दिस इज वाई यू डोंट नीड रिलेशनशिप टू बी हैप्पी। और मुझे ना हैरी पॉटर का कमेंट आया, आई नो इज नॉट रियल अभी, मतलब ये जिन्होंने कमेंट किया है वो हैरी पॉटर नहीं है, लेकिन ये हैरी पॉटर है। इन्होंने लिखा है मयूर विहार का नाम चेंज करके मयूरी विहार कर दो। मैंने बोला हाँ प्लीज़ कर दो, अब तक नहीं किया इन्होंने। और मुझे दूसरा कमेंट आया है द नूब इंजीनियर का, गर्ल्स, ये गर्ल्स के लिए हाँ स्पेशली ये कमेंट, गर्ल्स इफ़ यू वॉन्ट अ ऑनेस्ट गाय डू लव विथ अ गाय हु फॉलोज मयूरी पांडे कॉज हु फॉलो हर नेवर चीट। आई लव माई ऑडियंस। और ये सुगा सुगर का कमेंट है, आई एम अ गर्ल एंड दी साइन आर टू वॉच इट टू क्रॉस चेक इफ आई एम बींग टू ऑब्वियस। गर्ल्स कभी ऑब्वियस नहीं होती हैं। एनी वे, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक करो और कमेंट करके अपने थॉट्स बताओ मुझे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन ऑन एवरी वेंसडे एंड सैटरडे। एंड स्टे एट होम, बी सेफ, लव यू ऑल।